कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.8 हम इसका 13वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपने पासा देखा होगा। पासा यानी कि डाइस, जैसा कि लूडो में होता है या और कई सारी गेम्स में होता है। और सबसे जरूरी जो इसमें याद रखने वाली चीज है कि पासे में 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक पासे की 6 साइड्स होती है, इसीलिए उसमें 6 अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो मैं सबसे पहले पासे के साइड्स लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 संख्याएं पासे पर लिखी होती हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले है एक अभाज्य संख्या। तो बच्चों हमें सबसे पहले इसमें अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। एक जो है ना भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक वह संख्या खुद और दूसरा एक। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। अब हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता कैसे निकलेगी? मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि प्रायिकता के लिए कुल चांसेस लिखते हैं नीचे। कुल चांसेस, कुल संख्याएं कितनी हैं? 6। पासे के कितने भाग हैं? 6। तो कुल चांसेस हो गए 6। और इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 3। तो इसकी प्रायिकता आ गई 3/6। इसको यदि हम काट देंगे तो यह बन गया 1/2। तो बच्चों हमने यहां देखा इसकी जो प्रायिकता है वह हमारे पास आ गई है 1/2। आइए हम अगला भाग देखते हैं, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच का मतलब होता है ना 2 लेना है ना ही 6 लेना है, इनके बीच की संख्या है। तो इनके बीच की संख्या होंगी 3, 4, 5 और 5। 6 भी नहीं लेना और 2 भी नहीं लेना, तो इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। प्रश्न सभी आसान है बच्चों, तो देखिए बटा कुल चांसेस कितने हैं? 6। और 2 और 6 के बीच की संख्याएं कितनी आई है? 3। ये फिर से बन गया 3/6। इसको यदि हम काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। 1/2, इसका मतलब 2 और 6 के बीच की संख्याओं की प्रायिकता आ गई 1/2। आइए हम इसका अगला भाग देखते हैं। अगला भाग है एक विषम संख्या। तो यदि आप देखेंगे 1 से लेकर 6 तक विषम संख्याएं हैं 1, 3 और 5। आई होप कि आपको पता होगा विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़ में नहीं आती हैं। तो इनकी प्रायिकता हम निकालते हैं। फिर से कुल चांसेस नीचे लिखे जाते हैं। कुल चांसेस हैं 6, क्योंकि पासे के 6 भाग हैं और उसमें 6 संख्याएं हैं। और ऊपर विषम संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3। तो ये भी आया 3/6। इस प्रकार से जो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था उनकी प्रायिकताएं हमने निकाल दी।